एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे, बहुत सारे विषयों पर हमारी खुलकर के बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं, वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। इन दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। टुगेदर वी आर नॉट जस्ट फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, वी आर शेपिंग लाइव्स, ड्रीम्स एंड डेस्टिनीज। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग यहां बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं। यहां आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन, आपका दिल भारत में भी लगा रहता है। और इसे
आई एम फ्रॉम एनर्जी सिटी ह्यूस्टन. ह्यूस्टन से? इतनी दूर से यहाँ सुन रहे हैं? हाँ, इतनी दूर से. अगर मोदी जी सारे विश्व के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम एनआरआई मोदी जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं. मोदी जी न केवल 1.4 बिलियन भारतीय जो भारत में रहते हैं उनके लिए इतना करते हैं, तो भारत माता हमारे दिल में रहती है. तो अगर दिल में भारत माता, अगर मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं भारत के लिए, तो एनआरआईज का भी यह कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें. उन्होंने आज आमूल चूल परिवर्तन किया है. जैसे अगर हम ग्राउंड पे देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना से घर दिए, उन्होंने महिलाओं को गैस चूल्हा देके उनकी आंखें स्वास्थ्य सुरक्षित रखा, फेफड़े सुरक्षित रखे, उन्होंने महिलाओं को शौचालय दिया, उनको रेस्पेक्ट दिया, किसानों को फसल बीमा योजना दी कि मिनिमम वैल्यू में. कैसे यहाँ रह के भी भारत की सारी सारी योजनाएं जान रहे हो? यस ज्यादा भारत. यस आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. वी आर हैविंग ऑफिसेज ऑफ इकोवेस इन 60 कंट्रीज. येट फ्रॉम द लेट्स से फ्रॉम प्रोग्रेसिव पॉजिटिव भारत पॉइंट ऑफ व्यू आई कीप द टैब की व्हाट इज गोइंग इन भारत, how we can help India to grow positive progressive in good time, how we can support in the sad or challenging time, how we can support. So let's say sadly when first CDS Mr. Rawat got martyred and I heard that someone hacked the account of some of the high leaders, so someone was trying to show in Asia region ki shayad China shaktishali hai ya is tarah se. तो 20 कंट्रीज एनआरआई आई गेयर अप. आई गॉट जनरल जी डी बख्शी, अरुण बख्शी, धीरज लाठी एंड इतनी जानकारी है. स्टेशन के बाद इन लोगों को भारत जो है वो हमारे दिल में रहता है, राइट? क्योंकि भारत में इतनी वैल्यू. आपने क्या बोली, बात फिर से बोलिए पूरी. हम अमेरिका में रहते हैं और आप भारत में रहते हैं, पर भारत हमारे दिल में रहता है. तो मैं भारत का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूं कि भारत माता का नाम भारत के अनुमान है अमेरिका में. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर मोदी जी इतने प्रयास से और भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, और भारत क्या है ये सारे विश्व को बता रहे हैं. जैसे कि कोविड के टाइम उन्होंने जो वैक्सीन मैत्री है उससे बताया कि भारत क्या है, कि हम हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है पर उसके बाद भी हमारे खुद को टेक केयर करते हुए हम. Which is going. Prime Minister rightly mentioned, a mini India turned up at the event from the national anthem tune reverberating. भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है. आने का फैसला भारत के आगे करोड़ों लोगों के भाग्य. Together we are not just forming policies and agreements, we are shaping lives. ye nayi yatra make in india make for the world usko lekar hamare cooperation ki hai vidhit hoga. Which is going to is growing and bringing a formidable relationship. I simply ran out of words. I don't know what to say. Oh, we are so proud of Modi ji, and we are getting recognition all around the world just because of Modi ji. And we are, and our allies are so happy
and we'll stand always by Modi ji. What did you like the most about Prime Minister Modi's speech? Yeah. So Modi ji, जो कि उनके दिल में है, and whenever it comes from heart, it has the effect. That's how in the Quad also he made the visible difference with President Biden recognized. So here, what he has done, what he said, what did you think? Yeah. This is just not only the business, but the bhavanatmak and emotional attachment. What India and Bharat, US has done. It was mainly about PM ki speech is wonderful. PM ke act that was wonderful. क्योंकि जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है कि दिस इज सेक्रेट, और दो डेमोक्रेसी कंट्रीज अगर आपस में मिलके काम करेंगे, जैसे उन्होंने पूरा विश्वास लेके और जी का जो फाइटर प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, और भारत को 2014 से उन्होंने आर्म सेक्टर में खोल दिया है, सो देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर भारत, ही हैज इंक्रीज कि भारत किस तरह से तेजस और सारे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फाइटर प्लेन का अगर हमको जी का टेक्नोलॉजी और काम वहां पे भारत के लोगों को मिलता है, दिस द ग्रेट थिंग, और भारत उससे सशक्त भी होगा, क्योंकि खुद अगर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है आर्म्स, तो डेफिनेटली दुनिया में भारत की साख और बढ़ेगी, प्लस सेमीकंडक्टर जो कि वन ऑफ द की एसेट है आज के वर्ल्ड के लिए, और अश्विनी वैष्णव ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क ओवर देयर, लाइक ही हैज टोल्ड कि 6G में भारत लीड करेगा, सो दैट्स द ग्रेट थिंग ही हैज डन, एज वेल एज the key thing what he has said, ki this is not just the business transaction, jo bhavnatmak cheez jo banegi, jo ki unhone apne address mein kahi ki this is more of equality and dignity, jo ki unhone Australia mein bhi kahi ki jo mutual bahut sari baatein jo that's the key thing that will create a natural alignment of US and India. Thanks. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें भारत अमेरिका की दोस्ती मैंने आपकी शो शर्ट के अंदर कुछ देखी, भारत के लिए इतना कर रहे हैं फर्श से लेके अर्श तक, जैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, गैस चूल्हा योजना जो उन्होंने माताओं के आंखों फेफड़ों के लिए किया, या शौचालय उन्होंने औरतों की इज्जत के लिए किया, फसल बीमा योजना उन्होंने किसानों के लिए किया, फसल उगाने से लेके मार्केट तक देने तक, आयुष योजना उन्होंने मेडिकल तक किया, और आसमान में उन्होंने एक दिन घोषणा की, हे मेरे मित्रों 11 बजे तुम मेरे साथ में रेडियो पे अटैच हो, एवरीवन वाज थिंकिंग क्या होने वाला है, और उन्होंने घोषित किया कि भारत विश्व का चौथा कंट्री बन गया है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है, और अभी जब 2012 में भारत को वर्ल्ड बैंक ने फ्रेजाइल 5 में डिक्लेयर कर दिया था कि न केवल भारत की इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है, बल्कि जो भारत है दूसरे विश्व की इकोनॉमी को भी प्राउड ऑफ इंडिया, आई कैन सी मोदी जी जो कि उनके दिल में है, एंड वेन एवर इट कम फ्रॉम हार्ट इट हैज द इफेक्ट, दैट्स हाउ इन द क्वाड आल्सो ही मेड द विजिबल डिफरेंस विद प्रेसिडेंट बाइडेन रिकॉग्नाइज, सो हियर व्हाट ही हैज डन व्हाट ही सेड कि दिस इज व्हाट डिड यू थिंक या दिस इज जस्ट नॉट ओनली द बिजनेस बट द भावनात्मक and emotional attachment what India and Bharat US has done. So it recalled me last Diwali I was at stock market Diwali because my cousin Lalit Mundra, he is Bombay Stock Exchange broker forum chairman, and all the stock market specialists were there. They were saying for coming time 20 to 25 years Bharat will rise with this kind of leadership, because what he has done, he has taken semiconductor AI, in this particular way that India will progress in a great, great way, as well as how he has put the natural tie, the alignment of the two democracy, the whole world will get benefit of it by Make in India, he has said. So I'm sure that instead of China, now the manufacturing will happen in India, that will be great. Wonderful. We have these reactions coming in from members of और मोदी जी ने जिस तरह से भारत
और भारतीय वैल्यूज, चाहे वो कोविड वैक्सीन का इन्वेंशन हो या योगा हो, जिस तरह से उन्होंने विश्व को भारत में जितना, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी ने भारत में इतना कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं अभी से कुछ घंटे पहले ही भारत का पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और तमाम लोग, इन लोगों ने मिलकर एक बैठक की पटना में और कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, संविधान को खत्म कर दिया है, सब खत्म कर दिया उन्होंने इंडिया में। तो आप लोकतंत्र का मतलब राइट चोरी है, रिश्वत है, तो उन्होंने खत्म किया है? अगर परिवारवाद है, लोकतंत्र का मतलब वो है, तो उन्होंने जरूर खत्म किया है और करना ही चाहिए। क्योंकि 50 साल तक हटाने की इच्छा सब रखते हैं कि राजा को हटाओ मैं राजा बनूंगा, लेकिन राजा कोई नहीं बन सकता, राजा तो वही रहेगा जो राजा है। जब तक मोदी है तब तक भाजपा ही है, और मोदी आएंगे, मोदी के बाद योगी आएंगे, तो विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि अगले 30 साल तक वो सब तय है। लोकल में आप चीफ मिनिस्टर रजिस्टर बने रखिए, प्राइम मिनिस्टर तो भाजपा से मोदी या योगी बनेंगे। नवभारत टीवी को तो ये बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से जो उनकी एक एंकर वहां पे पंजाब में रिपोर्टिंग के लिए गई थी और उनको अरेस्ट किया, अगर लोकतंत्र के नाम पे यह मिसयूज है, एंड आई हैट्स ऑफ टू नवभारत एंड टाइम्स नाउ कि किस तरह से उन्होंने संयम रख के और जो लोकतंत्र की वैल्यू है उसको मेंटेन करते हुए और वापस एक दृढ़ निश्चय के साथ और वो वापस आए। मैंने आपका और अनामिका जी का और उन रिपोर्टर का आई सॉ द थिंग, इट वाज सो इमोशनल मोमेंट। और हमने भाई हमारा तो काम ही यही है, हम नहीं करेंगे तो फिर कोई खड़ा ही नहीं होगा फिर लोगों के लिए। मोदी जी ने इंडिया में सब कुछ किया है, जो किया कि ना किया लोग जो कहे, लेकिन अमेरिका में इतना सारा हो रहा है वो आप देख सकते हैं, राइट, और सारी इंडिया की जनता देख लेगी ये सब न्यूज में। अच्छा, आप लोग तो जैसे हम लोग इतना अब इंडिया में बैठे हैं तो इतना अमेरिका पे रोज इतनी डीप नजर नहीं होती, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग ज्यादा ध्यान देते होंगे कि अभी इससे पहले जो स्टेट गेस्ट आए किसी देश के, जैसे इमैनुअल मैक्रों आए थे या दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आए थे या दूसरे आए थे, तो इस तरह का माहौल था क्या अमेरिका के? अभी देखा ही नहीं है। ये जो मोदी जी का हमने देखा है, सब जगह चर्चा हो रही है और एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट मोदी जी। कहीं पर भी बात कर ले, जैसे इंडिया की पॉजिटिवनेस है, सारी जगह पे चर्चा है कि इंडिया का इकोनॉमिक बूम कितना है, हाउ इंडिया इज वॉकिंग विद एवरीवन ऑल टुगेदर। इकोनॉमिक बूम की बात हो रही है, वहाँ विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि उनको इकोनॉमी चलानी नहीं आती। अब उनको तो गद्दी पर आना है तो कीचड़ तो उछालेंगे मोदी। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि 2012 में वर्ल्ड बैंक ने भारत को इंडिया को फैजाइल 5 में रख दिया था कि न केवल इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है बल्कि भारत बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी भी खराब कर रहा है। फैजाइल 5 का धब्बा हम पे लगा और आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की 5th ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी आप लास्ट क्वार्टर के वो डाटा देखिए, इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। आई टॉक टू 15 कंट्रीज भारतीय एट वेरियस यू नो कंट्रीज, और मैं इसको हल्का सा जूम करता हूँ।